so today's topic uh, would be revolve around the freedom of speech and expression versus freedom of religion. So both are the fundamental rights. the one side we have the freedom of speech and expression. so sometimes the case may be of very complicated nature where the one concept touches upon the various other concepts. then how those Complicated concept have been dealt by the higher judiciary. So this is a signing example. The leading case laws, the Bijoy, Immanuel and others versus State of Kerala, AIR uh, 748 1986. So what are the uh, facts of the, this case? Uh, there were the three students: the Bijoy, Binu Mol, and Bindu Immanuel. So Bijoy, the first name, and the Emanil is the last name of the third student. जय एमिनल वर्सिस स्टेट ऑफ केरला तो वट वॉज वट आर द पैक्युलर फैक्ट्स ऑफ दिस केस द थिंग्स आर गोइंग इन ए वेरी नॉर्मल वे बच्चे सवेरे प्रे करते थे नेशनल जो सॉन्ग था वो अप, वो रिसाइट करते थे गाते थे कोई इश्यू नहीं था और इन तीनों स्टूडेंट्स की क्या जो एल्डर सिस्टर्स थी वो यहाँ से ऑलरेडी अले, पास आउट होकर जा चुकी थी तो बिल्कुल कोई भी आ, ऐसा कोई आ, कोई क्वेश्चन दिमाग में आया नहीं तो एक बार क्या होता है कि आ, एम जो वहाँ के थे लोकल वो एक एम विजिट पर आते हैं तो जब ये प्रे में नेशनल सॉन्ग जो चल रहा था तो ही नोटिस्ड कि थ्री दिस थ्री स्टूडेंट्स दे वर नॉट बेसिकली सिंगिंग द सॉन्ग ठीक है नेशनल एंथम को संग नहीं कर रहे थे और उनको ये बड़ा बुरा लगा कि भैया इट शोज़ द नेशनल यूनिटी हमें आ, नेशनल एंथम को चैट करना चाहिए बोलना चाहिए ठीक है ना तो उन्होंने इसकी शिकायत की प्रिंसिपल से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से और फाइनली आ, आ, ये मैटर उन्होंने असेंबली स्टेट असेंबली केरला की स्टेट असेंबली में उठाया तो उसके उपरांत क्या हुआ कि केरला स्टेट असेंबली ने क्या हुआ एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया उस कमीशन्स की रिपोर्ट में जब ये जजमेंट पढ़ रहा था तो उसमें तो अटैच नहीं थी लेकिन कमीशन्स की रिपोर्ट में ये जरूर पता लगा था कि बच्चों ने बाकायदा प्रॉपरली उसको ड्यू रिस्पेक्ट दी वो सावधान अवस्था में खड़े थे ठीक है उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की दूसरे बच्चों के लिए इनफैक्ट वो सिर्फ उनका एक ही जो था कि उन्होंने उसको चेंट नहीं किया तो चेंट नहीं किया यानी गाया नहीं सिर्फ एक ही बात ही। तो जब उन बच्चों से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो बोले कि वी बिलोंग्स टू द जेहा विटनेस और दैट दैट इज़ ए बेसिकली एक धर्म और उसके अंदर बहुत सारे सब धर्म ठीक है ना तो जेहा विटनेस की आइडियोलॉजी ये है कि हम कोई भी आ, किसी भी कंट्री का जो नेशनल सॉन्ग होगा उसको चेंट नहीं करेंगे उसको नहीं गाएंगे ठीक है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे और वो क्रिस को भी ये मानते थे कि ये शैतान पैदा हुआ है और इस तरह कुछ जो है वो बोलते थे कि ये जो दुनिया है ये अब विनाश की तरफ गई हुई है तो जो रियल वर्ल्ड है वो समथिंग डिफरेंट है तो इनकी कुछ ऐसी आइडियोलॉजी है उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना वी हैव रिगार्ड फॉर ऑल रिलीजन इक्वली तो उनकी जो आइडियोलॉजी बोल के हमारी आइडियोलॉजी इससे अलग है और उन्होंने ये भी बताया कि वर्ल्ड वाइड दूसरे जो इनके और इनकी संख्या बहुत कम है 8.6 समथिंग लैक्स में देख रहा था और ये जे डब्ल्यू डॉट ऑर्ग आप इसके साइट पे भी जा सकते हैं देख सकते हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमारी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है और हमने जस्ट अपने रिलीजन को ध्यान में रखते हुए इस नेशनल सॉन्ग को नहीं गाया अदरवाइज वी हैव फुल रिगार्ड हमने आज तक कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की है और ये पूरा बाकायदा कोर्ट में भी ये बातें हुई और कमीशन की रिपोर्ट में भी यही चीजें थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे तो उनके उन्होंने ऑर्डर दिया और स्कूल को इंस्ट्रक्शन दिया और स्कूल ने इन बच्चों को इन्वेस्टिगेट कर दिया निकाल दिया जस्ट ड्यू टू दिस थिंग तो इनके बच्चों के पेरेंट्स ने भी लिखा कि आ, इनको आप प्लीज जो इनका राइट टू एजुकेशन है वो भी वायलेट हो रहा है ठीक है ना तो लेट दम स्टडी रिगार्डिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उनको निकाल दिया तो वो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो चले गए केरला हाईकोर्ट में तो सिंगल जज बेंच का फैसला जो है वो स्कूल के फेयर में आया, यानी बच्चों के अगेंस्ट आया क्योंकि वो स्कूल की और स्टेट की बेसिकली जो अप्रोच थी वो ये अप्रोच थी कि सभी बच्चों को इरिस्पेक्टिव ऑफ बिलोंगिंग टू द एनी रिलीजन मस्ट संग द नेशन सॉन्ग तो ये एक आइडियोलॉजी पे इट ब्रिंग्स अ नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है ना तो यहाँ पर फिर ये इन्होंने अपील में गए और फिर जो डिविजनल बेंच दो जज की बेंच थी उन्होंने भी बच्चों के अगेंस्ट फैसला दिया तो फाइनली वो जो हैं वो लोग उनका कोई ऑप्शन नहीं था और वो फिर आपके स्पेशल लीव पटिशन वन आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मैटर अब पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइनली ये कुछ क्वेश्चंस थे वो क्या क्या वन साइड बच्चों का जो है आर्टिकल नाइनटीन वन है राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो स्टेट कह रहा है कि नाइनटीन जो आपकी टू uh, आपको मैंने बताया था पहले भी कि दिस फ्रीडम इज कंट्रोल्ड बाई आर्टिकल नाइनटीन टू तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो टू से लेकर सिक्स तक हैं तो पार्टिकुलर इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस है ये वाला क्लॉज है तो कोर्ट ने कहा कि ये बताइए कि कहाँ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट है कहाँ से को थ्रेट है अगर तीन बच्चे नेशनल सॉन्ग जो है वो संग नहीं कर रहे हैं प्रेम में तो और वो साइलेंट है और कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो इससे इस देशी सिक्योरिटी को क्या खतरा है तो कोर्ट uh, इस इस पॉइंट पे बोलते हैं कि इसका इसका कोई कोरिलेशन नहीं है ठीक तो है तो कोर्ट ने अपेल्ट किया कि बिल्कुल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं उन्होंने कोई भी किसी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की तो यहाँ पर दूसरा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्लॉज वन अब यहां पर अगर आप आर्टिकल 25 फाइव क्लोज वन को अगर आप अपने बेर एक्ट में देखेंगे द फ्रीडम ऑफ कंसाइस कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑन रिलीजन सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर मॉरल्टी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट यानी आपका जो इसकी तीन लिमिटेशन हैं तीन इनफैक्ट चार वो क्या क्या है पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ पब्लिक ऑर्डर सेकेंड मॉरल्टी हेल्थ पब्लिक हेल्थ ऑफ दिस प्रोविजन ठीक है ना तो यह कुछ लिमिटेशन थी इस पर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव यहां पर देखिए आप इसको पढ़ोगे द ऑल टू ऑल इंक्लूड्स फॉरनर आल्सो द ऑल परसन आर इक्वली इंटाइटल टू द फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन तो यहां पर उनको कंप्लीटली फ्रीडम है लेकिन कुछ आगे रिस्ट्रिक्शन भी है ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है नीचे भी रिस्ट्रिक्शन है नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ द रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स देखिए ऊपर ये बात कहना चाह रहे हैं आपने देखा होगा कि सेकुलर एक्टिविटी जैसे प्रोसेसें निकालते हैं रिलीजियस प्रोसेस निकालते हैं तो उसके लिए क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी क्यों क्यों क्योंकि रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग तो ये ऐसे कुछ आगे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं तो यानी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो आपका एब्सोल्यूट राइट हो ही नहीं सकता तो समथिंग डायरेक्टली और इनहेरेंटली बाय विचू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स जहाँ पे डायरेक्टली एक्सक्लिस नहीं है तो सम लिमिटेशन हैव बीन इम्पोज इन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट तो यहाँ पर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस की बात है तो ये सारा ये क्वेश्चन आया तो एक बार तो स्टेट ये कह रही है कि इससे पब्लिक मॉरल्टी Uh, की वजह से इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए इन्होंने गलत किया द अदर साइड द स्टूडेंट्स कंटेंशन इज दैट दे हैव कंप्लीटली फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपेगेट ठीक है ना तो अब ये अपनी रिलीजन की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है विटनेस जो है जिसकी जो आइडियोलॉजी हमने आइडियोलॉजी काम कर रहे हैं और ये आइडियोलॉजी कहीं पे भी इसको वायलेट नहीं कर रही है अब सेक्शन थ्री ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट इसकी बारी आती है आपको पता है कि अगर आप इसका सेक्शन थ्री देखेंगे नेशनल ऑनर एक्ट का तो नेशनल ऑनर एक्ट सेक्शन थ्री में भी यही बातें कह रखी हैं कि भैया जो आपका आ, जो नेशनल ऑनर है आपका नेशनल फ्लैग है आपका नेशनल सॉन्ग है तो आप उस, उसको पूरी प्रॉपरली इज्जत देंगे ठीक है ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे उसमें किसी के लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी इसमें चाहिए तो आप इस जजमेंट को थ्रोली एक बार देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस पर जा चुका हूँ पूरा मैंने इसको पढ़ चुका हूँ मैं इसको तो Uh, मैं उसको पूरा का पूरा रिपीट नहीं करना चाहता अब केरला एजुकेशन एक्ट 1959 सेक्शन 36 और आपको पता है कि एक्ट के अंदर रूल बनते हैं उसके रूल जो है वो एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं तो सेक्शन 36 केरला एजुकेशन एक्ट और फिर चैप्टर नाइन उसका रूल सिक्स केरला एजुकेशन रूल्स क्या कहता है वो भी बच्चों के फेवर की बात कर रहा है मतलब उस बच्चों ने उसका भी वायलेशन नहीं किया हुआ है मैं ये आपको देखिए पहले तो चलो सेक्शन थ्री देख लेते हैं एक बार ये मेरे को मिली गया है नेशनल फ्लैग जो है ना सेक्शन टू द विदल्ट टू द नेशनल फ्लैग इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेक्शन थ्री डील्स विद द नेशनल एंथम एंड इन अब ध्यान से सुनना हु और इंटेंशनली प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम इंटेंशनली बट हियर स्टूडेंट्स डो नॉट हैव एनी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है वो किसी को दूसरे को दिक्कत नहीं कर रहे हैं और द कॉज इज डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं की कि किसी के लिए डेली का रूटीन था

जो मैं ये केरला एजुकेशन की एक्ट की और रूल्स की बात कर रहा हूँ इसमें ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड इन द स्कूल टू डेवलप द राइट काइंड ऑफ द पेट्रोटिज्म इन द चिल्ड्रेंस नाइदर रिलीजन नोर पार्टी नोर एनीथिंग ऑफ दिस काइंड शुड स्टैंड अगेंस्ट द वंस लव ऑफ द कंट्री फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन द बेसिस मस्ट बी द स्कूल क्योंकि देखिए स्कूल से ही नेशनल इंटीग्रेशन सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ फॉर्मेटिव स्टेज होती है बच्चों की थर्ड नेशनल होल स्कूल शुड पार्टिसिपेट इन सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम अब ये तो पहला सर्कुलर था अब दूसरा सर्कुलर जो है बाद में इन्हीं के फर्दरेंस में दो सर्कुलर भी निकाले थे नोटिफिकेशन जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये सेप्टेम्बर सेवनटी uh, का है और जो आपका फैब नाइनटीन का भी मैं पढ़ रहा हूँ इसमें क्या इन्होंने कहा है इट इज अ कंपल्सरी दैट ऑल स्कूल सेल है मॉर्निंग असेंबली एवरी डे बिफोर द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बिगे इंस्ट्रक्शन एक्चुअल जब क्लासेस शुरू होती है उससे पहले आप लोग भी स्कूल से गुजर गए तो आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली होती है द होल स्कूल विदल्स एंड द टीचर्स सेल बी गैदर्ड फॉर द असेंबली आफ्टर सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंड होल स्कूल सेल इन वन वॉय इन वन वॉयस टेक द नेशनल प्लेट बिफोर मार्चिंग बैक टू द्लासेस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दर्कुलर है behind them in the sense that they are not issued under the authority of any statute, normal instruction. We also notice that the circular do not oblige each and every people to join in a singing even if he has any uh, conscious objection based on his religious faith. नो इज एनी पेनल्टी अटैच टू द ज्वाइनिंग द सिंगिंग नॉट टू ज्वाइनिंग सिंग ऑन दर हंड वन ऑफ द सर्कुलर फर्स्ट वन वेरी राइटली इम्पेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस इट इज सेट द ऑल रिलीजन शुड भी इक्वी रिस्पेक्टेड तो यानी यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो पहला सर्कुलर है और दूसरा सर्कुलर इसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्शन है तो पहला जो सर्कुलर है दैट स्पीक्स मोर अबाउट द सेकुलरिज्म जो सेकंड सर्कुलर है वो दैट टॉक्स अबाउटिंग इम्पोज ऑन द स्टूडेंट डिस्पाइट अगेंस्ट देयर कॉन्सियसनेस कि आपको गाना ही गाना है इफ समन इज नॉट विलिंग और स्टिल द वन हैज फोर्स्ड कि आपको करना ही यही है तो ये आपका आर्टिकल 25 की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जा रहा तो ये इस तरह के बड़े कंटेंटियस इशू है फिर यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा जब गवर्नमेंट uh, ने ये प्ले ली इन सर्कुलर्स का भी तो इन्होंने बोला कि ये जो सर्कुलर्स हैं भैया ये एक्चुअली यह देखिए नोटिफिकेशन की बजाय अगर मैं इसको सर्कुलर वर्ड लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है नोटिफिकेशन क्या होता है जैसे गजट नोटिफिकेशन होता है यानी कोई एक्ट हुआ कोई अमेंडमेंट हुआ तब नोटिफिकेशन निकलता है तो वो उसके फर्दरेंस में नोटिफाई क्या होता है सर्कुलर तो क्या है कि जैसे आपको पता है सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन की फर्दरेंस में फिर क्या होगा एक्ट बनेगा एक्ट की फिर उसमें क्या है रूल्स बनेंगे फिर आपकी क्या है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस वगैरह निकलेंगी ठीक है ना डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन क्या है रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकती रूल्स एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता तो ये जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है तो ये क्या है कि ये दीज इंस्ट्रक्शंस डू नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ यानी किसी स्टैचूट के द्वारा नहीं बनाई गई हैं ये तो ये जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस स्लाइटली वेरी कर रही हैं और तो ये सारा का सारा जो जो पली ली गई तो काउंटर में जो बच्चों के जो एडवोकेट्स थे तो उन्होंने हर चीज़ का प्रॉपरली इसको डिफेंड किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या हुआ कि इस इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ और केसेस का भी जिक्र किया पुराने वाले जैसे खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है तो इसमें क्या था कि पुलिस रेगुलेशन को चैलेंज किया गया था तो पुलिस रेगुलेशन कोर्ट ने इसमें यह किया कि पुलिस रेगुलेशन आर मेयर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लॉ तो ये जो है रेगुलेशन ये कैटेगरी लॉ की एटलीस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल नाइनटीन टू और सिक्स के बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं आर्टिकल नाइनटीन वन में राइट दे रखे हैं टू से लेकर सिक्स तक कॉरस्पॉन्डिंगली रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखी हैं बहुत सारी कल मैंने वो चार्ट बताया था कि किस फ्रीडम पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा तो जब रेगुलेशन डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है डोंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लॉ तो हाउ दी सर्कुलर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लॉ तो ये सर्कुलर भी क्या है ये भी आउट ऑफ लॉ के परव्यू से हैं किसी स्टेच्यू की बैक से नहीं बनाए गए हैं ये सुनि बात आपको तो यहां कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दिया है इसमें अब इसमें एक एक केस का और भी जिक्र आया है जो मैंने नीचे लिखा है देखिए कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने देखिए इसमें क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द कोर्ट है वैलिडिटी ऑफ द रूल्स फोर ऑफ़ द बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स देखिए कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लाइज होता है तो उसके लिए क्या है कि रूल्स बने होते हैं टर्म एंड कंडीशन होते हैं तो यहां पर एक सेक्शन रूल फोर ए जिसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था आ, ये रूल क्या कहता था इट प्रोबिटेड एनी फॉर्म डेमोस्ट्रेशन इवन इफ सच डेमोस्ट्रेशन आर वाज इनोसेंट ऑफ कॉजिंग अ ब्रीच ऑफ एनी पब्लिक ट्रांकलिटी तो यानी इस जो रेगुलेशन फोर ए जो बिहार का ये था तो उसमें बोला था कि जो भी इंप्लाइज हैं वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते डेमोन्स्ट्रेशन इन सेंस आपका कहीं बाहर बैठ के जाके मेन गेट के सामने धरना दे, दे देते हैं आप लोगों को पता है तो इस तरह का डेमोस्ट्रेशन कंप्लीटली प्रोबिटेड कर दिया रेगुलेशन फोर ए में तो यहां पर ये यह बात आती है कि वन साइड यू है द फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है बींग ए इंप्लॉय यू है सम लिमिटेशन ठीक है ना दो लिमिटेशन हैज बीन प्रेस्क्राइब इन द कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे मान ली आपका कोई भी uh, किसी पर्टिकुलर उसका एक्ट बना दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए उसके फर्दर रूल बना दिए जैसे हरियाणा में क्या है हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 है कंडक्ट रूल्स हैं आई कंडक्ट रूल्स हैं हर जो भी सर्विसेज uh, uh, है उसके कारस्पॉन्डिंगली एक्ट एंड रूल्स होते हैं तो यहां पर आपका कामेश्वर प्रसाद वाले में जब ये स्टेट ऑफ बिहार में तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखिए बड़े बड़े, बड़े uh, कोर्ट सेड नो डाउट इफ द रूल्स वर सो फ्रेम एज टू सिंगल आउट टाइप्स दोस्ट्रेशन विच आर लाइकली टू लीड टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांक्विलिटी और विच फॉल अंडर द अदर लिमिटिंग क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन आर्टिकल नाइन टू द वैलिडी टू द रूल कुड हैव बीन सस्टेन्ड तो यानी इन्होंने कोर्ट ने यह कहने की कोशिश की है अगर आपने कंप्लीटली ऑल काइंड ऑफ डेमोस्ट्रेशन लिख दिया यानी डेमोस्ट्रेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ डेमोस्ट्रेशन ऑल काइंड ऑफ डेमोस्ट्रेशन आपने प्रोविड कर दिया लेकिन आपको उसको कैटेगराइजेशन करना चाहिए था कि एक्टिव डेमोस्ट्रेशन है पीसफुल आपका डेमोस्ट्रेशन है या वॉलेटाइल डेमोस्ट्रेशन है कौन सी कैटेगरी में है ठीक है अगर आप वॉलेटाइल जाते हो तो हो सकता है कि जो 19.2 से लेकर 6 तक जो लिमिटेशन है आपके जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल वैलिड हो जाए उन पैरामीटर्स पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं लेकिन एनी टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स यू आर कर्बिंग यू आर बेसिकली मजलिंग तो आप उनकी बिल्कुल उस पर आवाज ही नहीं उठा सकते हैं तो यू आर बेसिकली वायलेटिंग देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट जैसे द वॉइस ऑफ रूल इन अवर ओपिनियन यानी इस रूल में कुछ जो खराबी है वो कोर्ट ने क्या अपने ओपिनियन दिया कंसिस्ट इन दिस पार्ट इट लेज बैन ऑन एवरी टाइप ऑफ द डेमोस्ट्रेशन

कोर्ट ने क्या कहने की कोशिश की है अब कोर्ट ने सारी की सारी बातें डिस्कस की फिर कोर्ट ने क्या हुआ कि क्योंकि देखिये जो जो विटनेस है इंडिया में तो बहुत कम स्ट्रेंथ है इनकी ठीक है ना तो अब इनके एडवोकेट ने क्या किया कि दूसरे जो यूएस के भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया का भी आ, तो दूसरे जो कंट्रीज जो कुछ है कुछ जजमेंट्स इसमें कोर्ट किए हैं चार पाँच जजमेंट्स तो एक जैसे इसमें ऑस्ट्रेलियन हाईकोर्ट एडेलाइट कंपनी जो है ऑफ ज्योहा विटनेस वर्सेज कॉमनवेल्थ ठीक है ना देखिए जो आपका आ, ज, इसमें हर जैसे रिलीजन के अंदर ना सेक्ट्स होते हैं थोड़ा थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है उनकी आइडियोलॉजी में ठीक है ना लेकिन वो इंस्पायर्ड उसी से होते हैं मेन एक ही उससे निकले होते हैं तो यहां पर जो ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट का केस है फिर वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड का एक केस आया ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का है तो वहां पर उनकी केस में यही हेल्ड किया गया कि जो जोहा विटनेस है ये उस सेक्ट का नाम है वाक्य में ही क्या है कि कॉन्शियसली इनके रिलीजन में चीज लिखी है कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल सॉन्ग है वो संग नहीं करेंगे इट इज फ्रॉम देयर साइड यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो सेम वाज फॉलोड बाय दिस थ्री स्टूडेंट्स तो कहीं पे भी इन्होंने कॉन्शियसली ना ही तो डेविएट हुए अपने रिलीजन से ना ही किसी को हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया किसी को लिए और मोर ओवर वो सावधान है साइलेंट है कोई उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन किसी दूसरे के लिए क्रिएट नहीं किया तो एक बैलेंस कोर्ट ने क्रिएट किया कि वन साइड द द द द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट राइट अदर साइड्स हैव नॉट डिस्टर्ब अदर्स तो तीसरा देखिए राइट टू एजुकेशन का तो इसमें जिक्र नहीं इस जजमेंट में कहीं पे भी तो ऑब्वियसली तो अगर बच्चों को अगर आप स्कूल से डिबार कर दोगे तो उनका जो राइट टू एजुकेशन है वो भी आपका इंफ्लेंज हो रहा है क्योंकि आपका जो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए है वो तब तक क्या था कि फंडामेंटल राइट नहीं बना था इस केस आने से पहले तो शायद हो सकता है उसका जिक्र इसलिए ना किया हो गया वो इसमें ठीक है अगर यही केस अब आता तो 100% परसेंट राइट टू एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन ए का भी इसमें जिक्र आता और इन बच्चों का केस थोड़ा सा और स्ट्रेंथन होता तो सम्भव ये सारे के सारे जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं एक इसमें इन्होंने यहां पर यह भी डिस्कस किया हुआ है कि के, एक केस था आ, ये जगदीश वारंड वर्सेज पुलिस कमिश्नर कोलकाता का, का। भैया ये आनंदा मार्ग है आंदा मार्ग केस हम इस केस को फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेरे को लगा कि ये, ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस है इसमें कुछ साधुओं को जला दिया था और बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था बड़ा इस पर कमीशन भी बैठा बाद में और तो खैर उस केस को हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज पर तो यहाँ पर सिर्फ पासिंग जो रिमार्क्स वो ये हैं कि कोर्ट के सामने इस केस में क्या आया ध्यान से सुनना द केस वॉज वेदर द आनंद मार्गिस हैड ए फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल ट्वेंटी फाइव 026 to perform the Tandav dance. The word is Tandav dance uh, in the public streets and the public places. The court found the Ananda Margas was a Hindu religious denomination, it's not a separate re, uh, religion. Separate religion ni Hindu religion ka part religion. The court examined the question whether the Tandav dance was a religious rite or practice essential to the tenets of the Ananda Marga and found it was not. So on that finding, the court concluded Anand Marga had no fundamental right to perform the Tandav dance in the public streets and public places. In the court of the discussion at one place, there is one of the following sentences: the Mr. Tarkunde counsel the petitioner case this case mein, had claimed the protection of the Article 25 of the Constitution, but in view of finding that Anand Marga was not a separate religion, the application of Article 25 is not attracted. So what I would like to convey you. यहाँ पे इस केस में इस केस को हम अलग से स्टडी करेंगे लेकिन तभी हमें देखा रहा है कि जुडिशरी का ट्रेंड ये बन गया है देखिए बहुत सारे केसेज आ रहे हैं बहुत सारे हैं उनके सेक्ट्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग आपस में होते हैं तो अब आप पब्लिक प्लेस पे टांडो डांस जैसी अगर आप रिचुअल्स करेंगे तो इट क्रिएट्स द लॉट ऑफ न्यूसेंस एंड इट गिव्स ए मैसेज टू द द अदर कम्युनिटी ऑफ अदर रिलीजन्स ठीक है ना तो एक बैलेंस बनाने के लिए कोर्ट ने ही आइडेंटिफाई अब कोर्ट इसी ट्रेंड यही देख रहा है कि देखिए वी सी द वैदर इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट रिलीजन और नॉट अगर उस रिलीजन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक पार्ट है तो ठीक है नहीं तो कोर्ट जल्दी क्या करता है फिर आर्टिकल जो ट्वेंटी फाइव है ये बोल देते हैं उसका वायोलेशन नहीं है क्यों क्योंकि असेंशियल प्रैक्टिस ढूंढना शुरू कर दिया कोर्ट ने चाहे वो जैसे हमने देखा मुस्लिम केसेज में भी कि असेंशियल जैसे हिजाब का था ठीक है ना तो उस रिलीजन की वो एसेंशियल रिचुअल्स देखेंगे एसेंशियल रिचुअल्स में आता है कि नहीं आता है जैसे ट्रिपल तलाक <coughs> ट्रिपल तलाक एसेंशियल रिचुअल्स में नहीं माना कोर्ट ने और दिस इज द ओनली वे टू तो बैलेंस अमंग द ऑल रिचुअल्स एंड अमंग द ऑल दिस रिलीजियस कॉम्प्लेक्शन कौ, ठीक है ना तो ये जितने भी आपस में जो केसेज आते हैं फिर ये आई थिंक यही द बेस्ट वे कि आप उसका एसेंशियल फीचर्स देख ली अगर उस रिलीजन में एसेंशियल फीचर्स हैं तो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव विल प्रोटेक्ट अदरवाइज नॉट ठीक है तो विद uh, दिस uh, तो फाइनली ये बच्चे फिर uh, इनका एडमिशन रिस्टोर कर दिया गया और uh, वो अपनी जो एजुकेशन थी उसके साथ उन्होंने कंटिन्यू किया तो इस तरीके से विद दिस वी आर ओवर विद दिस केस थैंक यू